हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनी कौल है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस कोच हूँ दिल्ली से। और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन ड्यूरिंग मेनोपॉज। जब भी हम न्यूट्रिशन फॉर वुमेन के बारे में बात करते हैं, ज़्यादातर अटेंशन वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को दी जाती है, लेकिन न्यूट्रिशन ड्यूरिंग मेनोपॉज के बारे में बहुत कम जानकारी है। मेनोपॉज कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि जान को खतरा है, बट उसके जो सिम्टम्स हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या डिस्ट्रेस पहुँचाते हैं। इसलिए इस वीडियो के दौरान आई विल इंश्योर कि आपको ये पता चल जाए कि क्या न्यूट्रिशन इस पीरियड में चाहिए होता है और वो कैसे हमारे सिम्टम्स को एलिवेट करने में हेल्प करता है। तो मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज है या ऐसा पॉइंट है जब औरत को अपने पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, 12 महीने से ज़्यादा जब उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, दैट इज़ व्हेन द मेनोपॉज इज़ अटेंड एंड द वुमन इज़ नो लॉन्गर फर्टाइल। मेनोपॉज के तीन फेजेज हैं। पहला फेज़ है प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज के दौरान जो ओवेरियन फंक्शन है वो डिसरप्टेड हो जाता है, पीरियड्स रेगुलर चलते हैं और थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं। सेकेंड स्टेज जो मेनोपॉज इज पेरी मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज में ओवेरियन फंक्शन डिसरप्टेड रहता है, पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं और सिम्टम्स थोड़े से इंटेंसिफाई हो जाते हैं। और जो लास्ट स्टेज है उसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉज में औरत को अपने पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं 12 महीने से ज़्यादा, दैट इज़ वेन द पोस्ट मेनोपॉज फेज इज अटेंड। मेनोपॉज के दौरान जो एस्ट्रोजन लेवल्स है वो 40% से ज़्यादा गिर जाता है, जितना रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बनता है उससे काफ़ी ज़्यादा मेनोपॉज में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन गिर जाता है। इस वजह से काफ़ी सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि हॉट फ्लशेज, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, वजाइनल ड्राइनेस या डिक्रीज लिबिडो। और जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, द वुमन इज़ मोर प्रोन टू कंडीशंस लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कैल्शियम लॉस हो जाता है, हार्ट डिजीजेज एंड ब्रेस्ट कैंसर। एस्ट्रोजन एक कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, हमारी बोन हेल्थ को प्रमोट करता है, तो हमें एक वुमन की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे फूड्स के बारे में जो कि मेनोपॉज के दौरान इनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहला न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बात करूँगी वो है फैट। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट से फैट को कट डाउन करें। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ये कुछ ऐसे फैट्स हैं जिनको आपको कम मात्रा में लेना ज़रूरी है। इनको रिस्ट्रिक्टेड या रिड्यूस्ड अमाउंट्स में आप लीजिए। और जो आपके गुड फैट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कच्चे घनी वाला सरसों का तेल हो गया, इन सारे फैट्स को आप इनकॉर्पोरेट करिए। और बाहर का खाना, तला भुना खाना, पैकेट का खाना, प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं या ट्रांस फैट होते हैं जो बार बार ऑयल को रीयूज़ करने से वो कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, ऐसे ऑयल्स को आप अवॉइड करिए। और ज़्यादा एम्फोसिस आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को दीजिए, जो कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। और अपनी डाइट में फ़ाइबर को इनकॉर्पोरेट करिए। फाइबर आता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स से और होल व्हीट आटा, जैसे आपके होल ग्रेन सीरियल्स हैं, आटा हो गया, ओट्स हो गया, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। आफ्टर फैट द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ कैल्शियम। जब मेनोपॉज होता है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन, कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है, जिस वजह से अ वुमन्स बॉडी इज़ वेरी प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, विच मेक्स हर बोन्स वेरी फ्रैजाइल एंड अगेन मे लीड टू फ्रैक्चर्स। और इंडियन डाइट्स स्पेशली कैल्शियम में थोड़ा कम होती है, कैल्शियम कंटेंट काफ़ी कम होता है, तो कैल्शियम रिच फूड्स हमारे डाइट में लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, आपका मिल्क, पनीर, दही, सोया, टोफू, सेसमी सीड्स, ये कुछ कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं जो आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और सॉल्ट की इनटेक को भी आपको कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाई सॉल्ट इनटेक होगा तो कैल्शियम एक्सक्रीजन होगा, आपके यूरिन से कैल्शियम एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, तो सॉल्ट की इनटेक को कम करिए। और कार्बोनेटेड या कैफिनेटेड ड्रिंक्स ऑल्सो डू नॉट अलाउ दी कैल्शियम टू गेट अब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो जैसे बहुत ज़्यादा कोलाज हैं या कॉफ़ी है, इसकी इनटेक भी आप थोड़ी सी कम कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दैट जब आप कैल्शियम लॉस की हम बात करते हैं, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज या फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैल्शियम लॉस ऑटोमेटिकली होगा। रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट टू मच ऑफ रेस्ट या बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट भी आप करेंगे तो कैल्शियम लॉसेज हो जाते हैं।
तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन एलिविएटिंग द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, जैसे कि इरिटेबिलिटी हो गया, एंगजाइटी, इंसोम्निया, हॉट फ्लैशेस, पैल्पिटेशंस. तो इन सारे सिम्टम्स को रिलीव करने में मैग्नीशियम देखा गया कि काफ़ी हेल्प करता है. और मैग्नीशियम पाया गया है ओट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, नट्स में. तो आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और मैग्नीशियम ऑल्सो आपकी बोन हेल्थ को प्रमोट करता है. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग मेनोपॉज इज़ आयरन. आयरन इसलिए काफ़ी ज़रूरी है मेनोपॉज के दौरान क्योंकि कई औरतों को बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है, तो इस दौरान आयरन रिच डाइट उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑफकोर्स आयरन की रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, बट मेनोपॉज में भी इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कुछ रिच सोर्सेज ऑफ आयरन आपके हैं ऑर्गन मीट्स, जैसे कि लिवर हो गया, या फिर आपके स्पिनच हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, डेट्स हो गए, वाटरमेलन सीड्स हो गई, एप्पल्स हो गए. ये कुछ आयरन रिच फूड्स आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज हमारा फिफ्थ न्यूट्रिएंट है, विच इज़ बोरॉन. बोरॉन देखा गया है कि इट प्रमोट्स बोन हेल्थ एंड इट प्रिवेंट्स द एक्सक्रीजन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द यूरिन. तो बोरॉन देखा गया है कि कई जो औरतों का डाइट जब बोरॉन में कम था तो उनकी कैल्शियम लॉस और डीमिनरलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा थी. और बोरॉन से ये भी देखा गया है कि इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. तो बोरॉन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ फाउंड इन पीनट्स, लेंटिल्स, पीज, एप्पल, पीचेस एंड पेयर्स. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि हमारा सिक्स्थ न्यूट्रिएंट है, इज कॉल्ड फाइटोएस्ट्रोजन. फाइटोएस्ट्रोजन आर प्लांट्स विच मिमिक द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सोयाबीन. सोयाबीन इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन एंड इट हैज़ बीन शोन दैट इट हेल्प्स इन अलिविएटिंग द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, जैसे कि हॉट फ्लशेज हैं, इरिटेबिलिटी है, वजाइनल ड्राइनेस है. इन सारी सिम्टम्स को एलिविएट करने में फाइटोएस्ट्रोजन्स हेल्प करते हैं. और ये देखा गया है कि जो फाइटोएस्ट्रोजन्स जो आपके प्लांट सोर्सेज हैं, दे आर मच वीकर एज कम्पेयर टू द नेचुरल एस्ट्रोजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, लेकिन इनकी ब्लड में सर्क्यूलेशन इज़ मच हायर. कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जापानीज़ वुमेन के मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत कम थे, वो इस वजह से क्योंकि उनकी डाइट में काफ़ी सारा सोया था, जैसे कि टोफू, मीज़ो, टेम्पे. तो सोयाबीन बहुत रिसर्च में देखा गया दैट इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़ टू कंज्यूम. इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि सोया अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए, लेकिन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. सो इट प्रमोट्स द बोन हेल्थ, इट हेल्प्स इन एलिविएटिंग द सिम्टम्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ कैंसर्स दैट मेक्स अ वुमन प्रोन ड्यूरिंग और आफ्टर मेनोपॉज. नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है ट्रिप्टोफैन. ट्रिप्टोफैन इज़ एन अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. मेनोपॉज के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं एंड ट्रिप्टोफैन कम्स इन वेरी हैंडी बिकॉज ये एंगजाइटी और डिप्रेशन को रिड्यूस करता है. और वो इस वजह से बिकॉज ट्रिप्टोफैन इज़ अ प्रीकर्सर टू द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन एंड सेरोटोनिन इज़ अ फील गुड हार्मोन. इट्स अ फील गुड सब्सटेंस विच इज़ देयर इन द ब्रेन. तो ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, ये हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ये हमारे लिबिडो को कंट्रोल करता है और हमारे डिप्रेशन को रिड्यूस करता है. तो ट्रिप्टोफैन इज़ फाउंड इन मिल्क, इट इज़ फाउंड इन आमंड्स, वॉलनट्स, ओट्स, बनाना. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सोने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं and it helps in reducing the depression which is associated with menopause. जो हमारा eighth nutrient है वो है indoles. और indoles are nitrogenous compounds which are found in cruciferous vegetables such as cabbage, cauliflower, broccoli, brussels sprouts. And research has indicated that indoles help in preventing cancers of the breast, of the colon and all the estrogen related cancers. It also inhibits ट्यूमर्स विच कैन बी मेड इन द मैमरी ग्लैंड्स. तो इंडोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ये कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स में पाया जाता है. इसके नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है वाइटामिन सी. वाइटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. हम पहले बात कर ही चुके हैं कि आयरन की रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड वाइटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. और इसके कुछ रिसोर्सेज हैं आंवला, नींबू, ग्वावा, किसी भी तरह की बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्रोकली, टोमेटोज, कैप्सिकम. ये कुछ विटामिन सी रिच सोर्सेज हैं. और विटामिन सी सिर्फ आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन सी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है.
इट ऑल्सो प्रमोट्स कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बोन्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देगा एंड इट विल मेक द बोन्स लेस प्रोन टू फ्रैक्चर्स. विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे स्ट्रेंथन द म्यूकस मेम्ब्रेन्स थ्रू आउट द बॉडी. तो जैसे कि आपके कैरेट्स हो गए, पंपकिन हो गया, मैंगोज हो गए, ऑल द ऑरेंज एंड द येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड दे हेल्प इन एलिविएटिंग सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज स्पेशली सच एज वजाइनल ड्राइनेस जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सिम्टम है. जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स. एसेंशियल फैटी एसिड्स जब हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड. ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है विच इज़ डेफिशिएंट इन द इंडियन डाइट्स. इट इज़ फाउंड इन एग योक, इट इज़ फाउंड इन फिश, इट इज़ फाउंड इन सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्लैक्स सीड्स एंड चिया सीड्स. तो ओमेगा 3 प्रमोट्स गुड हार्ट हेल्थ जो कि वुमेन आफ्टर मेनोपॉज बिकम वेरी वेरी प्रोन टू सम काइंड ऑफ हार्ट डिजीजेज. तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में ध्यान रखना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एंड आमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, फिश, एग योक, मिल्क, ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करिए. विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बिकॉज इट हैज़ अ स्पेयरिंग और अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन एस्ट्रोजन. तो वो प्रोटेक्ट करके रखता है एस्ट्रोजन को. और विटामिन ई इज़ बेसिकली फाउंड इन नट्स, ऑल द गुड फैट्स बेसिकली, जो भी आपके हेल्दी फैट्स हैं उसमें विटामिन बी ई पाया जाता है. कभी कभी मेनोपॉज के दौरान मेमोरी लॉसेस हो जाते हैं तो इसके लिए विटामिन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और विटामिन बी मिलता है आपकी अनमिल्ड सीरियल्स में, आपके पल्सेस में और आपके नट्स में. तो विटामिन बी भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए टू प्रमोट गुड मेमोरी फंक्शन. मैं आपको कुछ बेसिक रेमेडीज़ बताऊंगी कुछ मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए. जैसे कि हेडेक एंड डिजीनेस काफ़ी बढ़ जाता है इस टाइम पीरियड में, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का ले सकते हैं. यू कैन च्यू इट एंड इट बेसिकली हेल्प्स टू डायलेट द ब्लड वेसल्स इन द हेड. तो इससे आपको रिलीफ मिल सकता है. सेकेंडली, स्पाइसी फूड्स का आप अवॉइड करिए बिकॉज इट मे इंड्यूस हॉट फ्लशेस. अल्कोहल एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स को भी आप रिस्ट्रिक्टेड या रिड्यूस्ड अमाउंट्स में लेना शुरू करिए बिकॉज अगेन दे आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज. एंड एक्सरसाइज इस फेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके हॉट फ्लशेस को भी काफ़ी हद तक मैनेज करता है एंड आपके वेट को, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. Especially इस दौरान आपके जो lipids होते हैं, the LDL which is the bad cholesterol, low density lipoprotein high होता है and HDL low होता है, तो exercise will help promote good heart health. Menopause में weight gain काफ़ी common है क्योंकि estrogen की deficiency हो जाती है, तो abdominal fat आ जाता है कई औरतों को, that is known as the abdominal obesity. Some women put a lot of weight or lot of fat around their hips which is known as a pear shaped body, and when women put fat around their abdomen it's known as the apple shaped body. तो ये fat deposition बहुत ज़्यादा हो जाता है which makes them very prone or very susceptible to other conditions such as diabetes, hypertension, heart diseases. तो उनका exercise करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने weight को manage करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, diet को control करना ज़रूरी है, एक lifestyle modification बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाती है इस टाइम पीरियड में. रिफाइंड सीरियल्स को आप प्लीज़ काटिए. रिफाइंड सीरियल्स जैसे कि आपका मैदा हो गया, कुलचा, भटूरा, तला भुना खाना जो है, इन सारी चीज़ों को आप कम करना शुरू करिए. ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. फाइबर अपनी डाइट में ज़रूर डालिए एंड एक्सरसाइज डेफिनेटली कीजिए. ये सारी चीज़ें आपके मेनोपॉज के सिम्टम्स को एलिवेट करेगा. और हमने आज काफ़ी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी है जैसे कि कैल्शियम, आयरन, हमारा फैट का कम करना डाइट से, इंडोल्स, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए, फाइटोएस्ट्रोजन, सोयाबीन आप इस टाइम पीरियड में बेफिक्र होकर ले सकते हैं.